बिहार में लोकसभा की अररिया सीट और विधानसभा की भभुआ और जहानाबाद सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदाता वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। जहानाबाद सीट पर आरजेडी कैंडिडेट सुदय यादव और जेडीयू कैंडिडेट अभिराम शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं सुबह सुबह सुदय यादव ने अपना वोट डाला। सुदय ने अपने दिवंगत पिता और पूर्व विधायक मुंद्रिका यादव को याद किया। सुदय ने कहा कि लोगों में नीतीश सरकार को लेकर आक्रोश है और उसका लाभ उन्हें मिलेगा। इधर वो खाते हुए पहले तो हम अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हैं, चूँकि यह दुख का मेरे लिए घड़ी है। चुनाव तो हो रहा है, हम इस चुनाव के चलते पिछले 2 महीना से चुनाव छिड़ाने थे। हम जहानाबाद की महान जनता को सबसे पहले बधाई देते हैं कि अपने चुनाव प्रचार के चुनाव भ्रमण में जिन गांवों में गया, जिन मतदाताओं से मिला, उनसे काफ़ी प्यार स्नेह मिला है हमें, और आज मतदान हो रहा है। क्या लोगों से क्या अपील करते हैं? क्या अपील करते हैं? मतदाताओं में उत्साह नहीं दिख रहा है। 1 घंटा हो गया चुनाव शुरू होने को। मतदाता अब निकल रहा है, लोग आएगा, लेकिन अभी यहाँ कम दिख रहा है। बाकी जगह से हमको फोन आ रहा है कि काफ़ी मैंने ग्रामीण इलाकों में काफ़ी लंबा कतार है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश तो यही है कि हम चुनाव जीतने के बाद जो हमारे पिताजी के अधूरे कार्य रहे थे और जो उनका सपना रहा था, उस पर हमें खरा उतरना है और उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। आपने लगातार गांव में कैंपेन किया सर, किस मुद्दा को लेके आपने लगातार वोटरों को उत्साह दिया है? देख लीजिए, अभी चूँकि हम जब ग्रामीण इलाका में गए तो खास करके काफ़ी सरकार के जो राज्य सरकार के गलत नीतियां जो थी वो मजदूर विरोधी, बालू गिट्टी और फिर आपका शराबबंदी और बाल विवाह के चलते जो मध्यम वर्गीय परिवार जो त्रस्त है, उसमें काफ़ी आक्रोश था कि हम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई पिछले 6 महीने से। उसका फ़ायदा मिलेगा? हाँ, पूरा मिलेगा उसका फ़ायदा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपचुनाव में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सत्ता का सेमीफाइनल साबित होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।